Chinese brothers and sisters, I can see deep sense of sorrow and sadness on your faces as five of your very beloved colleagues left this world. You are full of sorrow, and we share your this moment of sadness and sorrow. वजीर आजम पारां दासू कोहिस्तान जो दौरो शहबाज शरीफ जो चवण है तो बिशाम वाक्य बुजदलानो फाल है उन वाक्य में पाकिस्तान दुश्मन कुवतू मुलविस उनको मकसद पाक चीन दोस्ती के मुसातिस करण है। चीनी सफीद जो चवण है तो हमले का पोई जल्द वजीर आजम इजहार यकजहती ले सिफारत खाने जो दौरो कयो। वजीर आजम चीनी शहर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने लिए आला सतही इजलास को ठाओ। पाकिस्तान से भाईवारी के मजबूत बनाने लिए कम जारी रखासी। सदर आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफीर अताजान मोलवाज की मुलाकात। बिन्हीं मुल्कन जो तापी गैस पाइपलाइन की जल्द तकमील की ख्वाहिश जो इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी जो चवण है तो पाक तुर्कमानिस्तान विच में ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के जल्द हतमी शिकल देने की जरूरत है। मुआहदे से व्यापार के वसअत दियण खिते के राबतन सरगर्मियों बढ़ाने में मदद मिली। सदर आसिफ अली जरदारी जो बिन्हीं मुल्कन विच में बतरफा सहकार के वधीक हथी दियण की जरूरत ते जोर। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजन के खत वाले मामले जो पान मुरादों नोटिस वठंदे सत रुकनी लार्जर बेंच जोड़े छी। चीफ जस्टिस सत रुकनी बेंच जो सरबराह हों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया खान आफरीदी, जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच जो हिस्सो हों। लार्जर बेंच पान मुरादे नोटिस थे अरबा 3 अप्रैल से सुबह जो 11:30 बजे बुधनी कदी। 27 मार्च से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छह जजन कम में गुजन इदारन की मुबैना मुदाखलत और दबाव में आनन बाबत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खत लिखो हो। जस्टिस रिटायर तसद हुसैन जीलानी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही का माजरत करे छी। वफाकी सरकार बड़ी अग छह जजन की खत वाले मामले की इंक्वायरी कमीशन जोड़ी हुई। जस्टिस रिटायर तसद हुसैन जीलानी वजीर आजम के खत लिखी मौकिफ इख्तियार कयो त साथी मसरूफियत सबब इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नथो करे सका। एतमाद करण ते वजीर आजम और काबीना मेंबर्स जो थोरायतो आया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तोशाखाना केस में पीटीआई बानी और बुशरा बीबी की सदा मुअत्तल कर छी। चीफ जस्टिस जो चवण है सदा खिलाफ अपीलों से बुधनी ईद का कंदी। नैब प्रोसिक्यूटर तो फैसले जो जायजो वरतो है ये सजा मौतली जो केस है। अदालत तो ये नैब जो वाखाण जोगो मौकिब है। हलदड़ साल 31 जनवरी से तोशाखाना केस में पीटीआई की बानी आई सनस घरवारी बुशरा बीबी के 14-14 साल कैद की सजा बुधाई वही हुई। एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस जो फैसलो बुधाईदे। पीटीआई बानी और सनस घरवारी के 10 साल ताई कहें भी सरकारी ओहदे ते रहन लाए ना अहल करार दिनु हो। इलेक्शन कमीशन एनए 207 से आसफा भुट्टो जरदारी की कामयाबी जो नोटिफिकेशन जारी कर छोड़ो। आसफा भुट्टो बिना मुकाबले चूंढ जी आई है। आसिफ अली जरदारी पारा खाली कल सीट से आसिफा कामयाब थी है। सिंध सरकार पारा 31 असिस्टेंट कमिश्नर एडीसीज सेक्शन ऑफिसर जो मुकर्रर बदलियों। गुलाम नबी खैरपुर, मोहम्मद अली खिंगरी, कंबरदीन राहपोटो शहदादपुर, संजय कुमार एसी सावारो मुकर्रर, मोहम्मद नवाज कलवड़ क्यामाड़ी, रेहान कोट गुलाम मोहम्मद, दरिया खान चांडियो कोडेजी, निदा समन एसी साइट मुकर्रर, राशिद अली चन्ना एसी मीरपुर साकरो, शाहिदा परवीन एडीसी 1 नौशरो फेरोज मुकर्रर, राजेश कुमार एडीसी 2 बदीन, अली मोहम्मद मेमण एडीसी 2 उमरकोट मुकर्रर कर। या जिस तरीके से ये सुमोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिकार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आईनी इदारों का तमस्कर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं आई। 9 मई के बाद मेरे ख्याल 11 मई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है।
पीटीआई चेयरमैन के जेल में 6 महीना गुजरी वया हाने अदलिया के आजादी याद आई है। खतवारो मामलो पीटीआई चेयरमैन के तहफुज दियण लाइ उथारियो वियो आहे। जजिस के साकिब निसार वाले दौर में अदलिया की आजादी छो याद न आई। पीपल्स पार्टी अदलिया की आजादी के लिए हमेशा जिदोजहद कई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमर चवाहे त सेनेट चूंडन में पीपल्स पार्टी अक्सरियत से कामयाब थी। रेड लाइन बीआरटी ते कम मुकम्मल थी रो है। ट्रांसपोर्ट जहा नवा रूट्स ठाए अवाम के सहूलतू फराम कदासी। 5 लाख घरों के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे हम सोलर पैनल दें। दीगर घरों का भी प्रोग्राम एक वर्ल्ड बैंक के साथ है, 2 लाख उसको भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ सोलर पार्क बनाने का हमारा प्रोग्राम है। 50 मेगावाट जो है वो केई को दी जाएगी ताकि जो कम यूनिट वाले लोग हैं उनको सहूलत दी जा सके। इसी तरह हेस्को और फिर सेपको के इलाकों में भी है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चवाए तो जल्द कच्चे के धाड़ेलन के पैंजे अंजाम ते पहुंचाया वेंदो। वड़े वजीर ए घरू वजीर से गड दौरो करे हिकमत अमली जोड़ी है। धाड़ेल औरतुन की आवाज़ में गालाए मानुन के अगवा कन था। मानू कें भी फोन कॉल ते कच्चे तरफ वन का पासो कन। पीपुल्स पार्टी के दौर में कच्चे तरफ वींदड़न के रोके अगवा थे का बचाया वेंदो है, पर निगरान सरकार उनते अमल न कयो हो। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला के इलाके बिशाम में दहशतगर्द हमले में मार जीवल 5 चीनी शहरों का लाश खास जहाज जरिए चीन पहुंचाया वया। ओवरसीज पाकिस्तानी वारो वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी खसूसी जहाज में चीन पहुंतो। सालिक हुसैन चीनी हुकूमत आवाम से यकजहती जो इजहार करने चीन पहुंतो। वफाकी वजीर मार जीवल चीनी अमलदार के खराज अकीदत पेश करने मुनद कल खसूसी तकरीब में शिरकत कई। पिशावर हाई कोर्ट एक्विकेशन में हम्माद अजहर की राहदारी जमानत मंजूर करे वरती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहलम पिंड दादन खान प्रोजेक्ट चोरी केस में अगूणे वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर खेस आजाद करण जो हुक्म दई छो। मुल्क में ईद उल फितर जो चंड 9 अप्रैल ते नजर अचण जा इम्कान। मौसमियात खाते मौजिब चंड जी पैदा थियण जो वक्त 8 अप्रैल रात 11:21 होंद। 9 अप्रैल ते चंड जी उम्र 19-20 कलाक होंदी। सिज लहण का पोए चंड नजर अचण जो वक्त 50 मिंटन का वधीक होंद। 9 अप्रैल ते मुल्क जे अक्सर इलाकन में मौसम साफ रहण जो इम्कान है। मुल्क जे उतरे इलाकन में गजगोड़ सा बरसात जो भी इम्कान जाहिर। फातह खैबर शेर खुदा अमीर उल मोमिनीन मौला अली अलैहि सलाम की शहादत जो दिहाड़ो अकीदत एहतराम से मल्हायो पियो वञे। कराची में सब का वे मातमी जुलूस वाले रूट के कंटेनर्स रखी बंद किया वो। जुलूस में आजादारन के वे अंग में शिरकत। घरू वजीर जियाउल हसन लंजार निश्चर पार्क पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम जो जायजो वरतो। एडिशनल आई जी कराची तरफा सिक्योरिटी इंतजाम से ब्रीफिंग।